तो स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। वीडियो ही फ्रेश है, बाकी कहानी फिर से वही पुरानी दोहरा दी गई। कल कुछ ऐसा ही हुआ जैसे स्कूल में होता था ना, कि पता चलता जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है वो आज एब्सेंट है और उनका पीरियड गेम्स टीचर को असाइन कर दिया गया है। और जैसे अपन मचलते हुए मैदान की तरफ जा रहे होते थे तो तभी वो खड़ूस टीचर क्लास में एंट्री ले लेता था। मतलब साला 47वें ओवर के बाद मैंने अनार और चकरघिन्नी जलाने के लिए रख ही ली थी, पर उसके बाद चेहर आउट क्या हुए वो अनार और चकरघिन्नी अब भी अपनी चोच पे आग की लौ का इंतजार कर रही है। इस समय दिल में बस एक ही शेर आ रहा है कि दिल ऐसा तोड़ा उसने कि अब रहा नहीं जाता, दिल ऐसा तोड़ा उसने कि अब रहा नहीं जाता, इतना दुख है दिल में कि कहा नहीं जाता। मैच शुरू हुआ तो खुशी हुई कि फाइनली केएल राहुल और राहुल द्रविड़ ने मेरी पुकार को सुन लिया और सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह दे दी, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। दूसरा, भुवनेश्वर कुमार की जगह दीपक चहर का नाम देख के भी दिल को एक राहत मिली, पर अश्विन को ना खिलाने की तो बात हुई नहीं थी। कोई नहीं, आप बड़े हैं, ज्यादा जानते हैं। सबसे कमाल की बात कल ये रही कि पहले 13 ओवर में ही भारत ने साउथ अफ्रीका के शुरुआती तीनों बल्लेबाज आउट कर दिए। कसम से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई थी मेरे फेफड़ों में, जिसका श्रेय जाता है दीपक चहर की शानदार बॉलिंग को। पर फिर से उसके बाद डीकॉक ऐसा चले कि रुके ही नहीं, अलग ही ट्रेन छूट रही थी भाई साहब की। पर अच्छी बात यह रही कि भारत के सभी गेंदबाज विकेट लेने में सफल रहे सिवाय जयंत यादव के। नो ऑफेंस, पर जयंत यादव मुझे एक पार्ट टाइम बॉलर से ज्यादा बेहतर नहीं लगते हैं, और मुझे लगता है भारत में कई स्पिनर्स उनसे ज्यादा मौका डिजर्व करते हैं। साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 288 रनों का लक्ष्य रखा तो राहुल का जल्दी विकेट गिरने से भारत की शुरुआत जरूर खराब रही, पर धवन और कोहली की जबरदस्त साझेदारी को देखते हुए लगा आज वो सब कुछ हो जाएगा का हम इंतजार कर रहे थे। धवन की इस सीरीज में परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि गब्बर इज बैक एंड आने वाले टूर्स के लिए वो भारत के लिए टॉप पिक रहेंगे। पॉजिटिव बात ये भी रहेगी कि रोहित के आने के बाद राहुल मिडल ऑर्डर में एक बेहतर रोल निभा पाएंगे, जिसकी कमी सीरीज में देखने को मिली। आगे बढ़े तो फिर से कोहली ने बताया कि शेर घायल ही क्यों ना हो पर शिकार करना नहीं भूलता, पर फिर से वो सेंचुरी से चूके तो सभी देशवासियों का दिल टूटना लाजमी था। पर एक बड़ी ही बेहतरीन चीज जो इस मैच में देखने को मिली वो था कोहली का लौटता हुआ एग्रेशन। पर ये एग्रेशन कोहली ने साउथ अफ्रीका को तो नहीं दिखाया, पर ऋषभ पंत ने जब अपना विकेट फेंक दिया तो कोहली का उसी एग्रेशन में पंत को घूरना बड़ा दिल को सुकून दे रहा था। ये बड़ी अजीब सी फीलिंग है, शायद कुछ कोहली फैंस इसे समझेंगे। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। गब्बर और कोहली का विकेट गिरते ही फिर से वो मिडल ऑर्डर की कमी भारत की खामी बना, सिवाय सूर्य कुमार यादव के जिनकी पारी का सबको इंतजार था। और जैसा मैंने कहा था कि ये एक ऐसा बंदा है, भले ही ये बड़ा स्कोर मारे या ना मारे, पर इस बंदे की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये हर मैच में योगदान देता है। इसलिए मैं अपनी गेमजी की मेन टीम में तो सूर्य कुमार यादव को लेना भूल गया था, क्योंकि वहां तो अपने कैप्टन विराट कोहली और वाइस कैप्टन केएल राहुल थे। कोहली भाई ने पॉइंट्स डबल कराए तो राहुल भाई ने धोखा दे दिया, पर चिंता की कोई बात ही नहीं थी। सूर्य कुमार यादव जैसे ही आए मैंने लाइव फैंटेसी में सूर्य कुमार यादव और दीपक चहर को लेकर 5 मेंबर्स की टीम बनाई और मस्त जीत गया भाई तुम्हारा। यही तो फायदा है यहां, पहली इनिंग में भूल जाओ तो दूसरी इनिंग में बना लो, दूसरी में भूल जाओ तो 5-5 और 10-10 ओवर की लाइव फैंटेसी खेल लो। कहीं नहीं होता भाई ऐसा, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में जाके गेम्सी का ऐप डाउनलोड करो और तुम भी खेलो। साथ साथ कई कैजुअल गेम्स भी हैं जैसे लूडो, कैरम, 8-ball, पूल और बहुत, तो वेट किस चीज का है। बाकी एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए आते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लो। फुल VIP ट्रीटमेंट मिलता है वहां की जनता को गेम्सी में। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। बाकी आप लोगों ने पता नहीं नोटिस करा हो या ना करा हो, इस सीरीज में चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा बोला बाला रहा। अरे अरे कंफ्यूज ना हो, बता रहा हूँ। क्योंकि पहले जहां नीचे शार्दुल ठाकुर टीम की नैया पार लगा रहे थे तो कल वही कोशिश फिर से दीपक चहर की थी, पर ये वक्त ही ऐसा चल रहा है कि कोई कितना भी शक्तिमान बने, तमराज किल्विच अपना अंधेरा कायम कर ही जा रहे हैं। पर सीरीज की लॉस असाइड, कल उन आलोचकों को जवाब मिल गया जो बेवजह की ऐसी खबर फैला रहे थे कि टीम राहुल और कोहली के दो गुटों में बट गई है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम की ये तस्वीर इन सभी आलोचनाओं का भर के जवाब दे रही थी। इसके अलावा गांगुली की तरफ से भी कोहली और उनकी कप्तानी छोड़ने को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट आया, जिसका पूरा सिनेरियो आपको शाम को 4 बजे करीब वीडियो आने वाली है इसी चैनल पे, उसमें मिल जाएगा। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा भाई तुम्हारा, 2-2 वीडियो एक ही दिन में, सोया नहीं हूं 3 दिन से। इतनी मेहनत के बावजूद इंस्टाग्राम के 1400 से ज्यादा मैसेज का जवाब दिया है। कोई है जो कह दे उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया और मैंने जवाब नहीं दिया तो वेट क्यों कर रहे हो? अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया तो जाके जोशी तो बोलेगा पे फॉलो करो और भेजो मैसेज, हर मैसेज का रिप्लाई अपन खुद देंगे। बाकी ऑन सीरियस नोट, इस समय इंडिया को यही सोचना होगा कि जो हुआ सो हुआ, और मन ही मन कहना होगा कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। माना कि पिछले कुछ दिन बुरे थे पर ये वक्त भी बीत जाएगा।
आंसू आ गए मेरे। कभी कभी अनइंटेंशनली ऐसी बात बोल जाता हूँ ना, मतलब खुद पे यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा कैसे बोल दिया। बाकी वीडियो दिल पे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अब इंडिया क्या कर सकती है आगे के मैचेस में बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ये कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये तो गलत बात है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं ऐसे कैसे चलेगा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।